तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था वीडियोस आते रहेंगे, तो लो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप लोग सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, बहुत ग्रेट हूँ और बहुत 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 तड़कता फड़कता जगह पर आ चुका हूँ, वापी। क्योंकि वापी आए हैं तो दमन का वाइब आएगा ही लोगों को, क्योंकि दमन बहुत क्रेज है, यंगस्टर्स के अंदर बहुत लोग आते हैं। तो आज हम भी दमन एक्सप्लोर करने वाले हैं, साथ ही साथ सिलवासा भी एक्सप्लोर करने वाले हैं और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सब जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले अपने गाड़ी से आए हैं मिरासोल। यहाँ पे कुछ तो फैमिली है, देखो ट्रेन दिख रहे हैं, बहुत फेमस रिसोर्ट है ये, देखते हैं अंदर जाके क्या है। तो ये रिसोर्ट बहुत बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग हुई है लॉकडाउन के टाइम पे। यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा, इसी रिसोर्ट पे हुआ है। अभी मैं आपको रिसोर्ट घुमाता हूँ। चलो, ये बहुत प्यारा सा ब्रिज है एंट्रेंस में ही, और लेफ्ट साइड बोटिंग, बहुत अच्छा व्यू है, देखो पूरा घूम के आ सकते हैं। इस रिसोर्ट में वाटर पार्क भी है, सेम टू सेम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पूरा एपिसोड याद आ गए, कहाँ कहाँ सीन्स हुए थे सब, ए टू जेड, बस वही रिसोर्ट है। लॉकडाउन के टाइम पे उसके एपिसोड्स आते थे, बहुत मस्त था। तो रिसोर्ट का चार्जेस कुछ वाटर पार्क का 1100 रुपीज़ है। हम लोग तो रिसोर्ट नहीं, सिर्फ आपको बताने आया था ये रिसोर्ट में आ सकते हो। हम लोग तो खेलने नहीं आए, वाटर पार्क में एक्सप्लोर करने हैं। तो आप लोग देखो, आपका मन करे तो आ जाना। वैसे पुरानी यादें पूरा ताज़ा हो गई, पूरा वो जो एपिसोड्स लॉकडाउन में बैठ के देखते थे, शोज देखते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सब हर एक सीन यहाँ पे। आपको तो कुछ फोटोज़ मैंने दिखाई दिया, मस्त मज़ा आ रहा है। टाइम पास है, 80 रुपये एंट्री फीस है, तो आओ आके घूम के जाओ। तो ये देखो पूरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पूरा टीम के साथ फोटो सीन का लगा हुआ है रेस्टोरेंट के सीधा सामने। बहुत ही क्रेजी रहा एक्सपीरियंस। और ये देखो मेरे पीछे बुलेट ट्रेन है जो जा रहे हैं, पूरा राउंड करा के लेके आएगा। अगर कोई तारक मेहता का सच में फ़ैन है तो उसको पता ही होगा यहाँ का पूरा, यही बहुत किस्से हैं। मैं तो बातें कर रहे जा रहा हूँ तारक मेहता की, क्योंकि हर जगह पोस्टर्स भी लगे, हर जगह उसके बारे में लोग भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं हूँ, और भी जो टूरिस्ट हैं उन लोग भी यही बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन में भी बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत लंबा चला था ये, यहीं पर उन लोग ने रुक के किया था, तो मज़ा आ गया हम लोग को घूम के। हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमको और भी प्लेसेस कवर करना है और आपको और भी प्लेसेस दिखाना है, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। फेमस क्यों है? बीचेस के लिए, यहाँ पे लोग बीचेस में वाइब लेने आते हैं। सेम इसको भी मिनी गोवा ही बोलते हैं, दीव की तरह। अभी धूप बहुत है इसलिए लोग कम आए, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे है तो रात तक लोग बढ़ ही जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग कौन से बीच पे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे चारों बीच कनेक्टेड है एक साथ, जेटी, देव का, और भी 2-3 बीचेस है, नाम मैं डाल दूँगा जो भी बीच पे रहेगा। तो अभी हम लोग बीच एंजॉय करते हैं। बहुत धूप है लेकिन, ना बहुत ज़्यादा ही धूप है, 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे रुक ही नहीं सकते हम लोग। तो ये बहुत ही प्यारा बीच है, और यहाँ पे साइड में देख लो आप लोग, ये जो एक रास्ता निकलता है सेम मरीन ड्राइव जितना, बहुत लंबा है, कम से कम अगर चल के जाओगे तो 3 से 4 घंटा लगेगा यहाँ से वहाँ तक चलने में, या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग गाड़ी से आए तो फटाक से 5-10 मिनट में आ गए। और ये बहुत बड़ा बीच है, 4-5 बीचेस को जैसे कि मैंने बोला मिला के, बहुत सही है। हम लोग बीचेस में जा रहे नहीं क्योंकि गंदा हो जाएगा, हम लोग को और भी प्लेसेस कवर करना है इसीलिए। तो अभी हम लोग पोर्चुगीज़ के ज़माने का एक चर्च है जो बीच ख़त्म होने के बाद ही आते हैं, लेकिन आपको गाड़ी से ही आना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा दूर है, तो इसको अंदर जाते देखने।
कैसे है। वो देखो वहाँ पे है चर्च। तो ये चर्च के पास आ गए हम लोग, यहाँ पे थोड़ा फोटोज़ खींचेंगे। अच्छा है, बंद है चर्च, ठीक है। हम लोग को बाहर से ही देखना था, अंदर से बहुत नया दिख रहा है और बहुत बड़ा एरिया है। और इस वॉल के उस तरफ समंदर ही समंदर। तो ये जो चर्च था ये पोर्चुगीज के टाइम से है। ये आर्किटेक्ट ये जो बाहर का देखा आपने सब बहुत पुराने पोर्चुगीज के टाइम से। मतलब पोर्चुगीज पहले यहाँ पे रहते थे। अच्छा था, देखने लायक था यहाँ पे, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। दीव जैसा बहुत गर्मी है यहाँ। अभी से ही पसीना पसीना होके चेहरा उतर गया और थक भी गए। देखते हैं अभी आगे क्या करेंगे। तो गाइज हम लोग इससे पहले वहाँ देख रहे हो उस तरफ थे हम लोग, अभी इस तरफ आ गए क्योंकि इस तरफ है फोर्ट। लेकिन हम लोग फोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फोर्ट के अंदर बहुत घूमना पड़ता है। लेकिन आपको बाहर से मैं फोर्ट और लाइट हाउस दिखा देता हूँ। तो गाइज इससे पहले हम लोग वो साइड पे थे, वो देख रहे हो चर्च। फिर हम लोग ने वहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए और यहाँ पर है ये फोर्ट, और फोर्ट के सामने ही जस्ट लाइट हाउस। तो गाइस हम लोग अब फाइनली एक यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो गया। दमन एंड दीव दोनों मिक्स मिला के एक यूनियन टेरिटरी होता है, और हमने दोनों अलग अलग देख लिया। इससे पहले दीव वाला देखा था, अब दमन देख लिया, और हमारा एक फाइनली ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग दमन से आ चुके हैं सिलवासा, और सिलवासा भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या है। तो गाइस हम लोग अभी अक्षरधाम में हैं, एंट्री करके वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दिया और अभी गार्डन में घूम रहे हैं। देखो ये है अक्षरधाम, बहुत ही बड़ा है, ये सिलवासा में लोकेटेड है। अभी हम लोग दमन से दूर आ चुके हैं सिलवासा, लोग तो कम है तो हम लोग दर्शन भी ले लेते फटाफट। तो अंदर से देखो बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्ट किया हुआ है, मस्त वर्किंग है इनका। देख लो अंदर का नज़ारा है। तो ये जो अक्षरधाम है मेरे पीछे देख रहे हो, इससे बड़ा और सबसे फेमस जो अक्षरधाम है वो दिल्ली में है। ये तो सिलवासा में लोकेटेड है, तो हम लोग दर्शन करने आए क्योंकि सिलवासा में भी ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो सिलवासा और दमन आने के लिए सबसे पहले आपको एक रूट बता दूँ, आपको आना पड़ेगा वापी। वापी से एक तरफ दमन आता है और दूसरी तरफ मतलब ईस्ट और वेस्ट में दमन और सिलवासा लोकेटेड है। आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगा 20-30-40-50 रुपए में, आपको ला के छोड़ देगा। बसेस भी है मगर हम लोग ने तो प्राइवेट गाड़ी किया हुआ है। रेट्स नहीं बताऊँ क्योंकि हम लोग के रिलेटिव्स के तरफ से गाड़ी है वो, तो हमको पता नहीं है रेट्स यहाँ का कैसे आना है, बट रास्ता यही है। अभी पीछे देखो गार्डन वगैरह सब है, अच्छा अच्छा बनाए हैं। हमारा तो दर्शन हो गया, अब कुछ फोटोज क्लिक करते हैं फिर देखते हैं और क्या क्या है सिलवासा में। तो अभी हम लोग सिलवासा में भी एक चर्च है वहाँ आए हुए हैं। आ लेडी ऑफ पेटी चर्च नाम है उसका, और अंदर चल रहा है शादी। अभी बाहर से ही देख के निकलना पड़ेगा। ये देखो शादी की गाड़ी आ गई और ये रहा चर्च। मैं अभी अंदर से दिखाता हूँ चर्च कैसा दिखते हैं।
तो बाकी टाइम भी ये चर्च खाली रहता है। आज शादी घर की भीड़ है तो हम लोग ने बाहर से ही देख लिया, अभी कहीं और जाना पड़ेगा देखने के लिए। बाकी टाइम पे आ सकते हो यहाँ पे, आज तो भीड़ था इसलिए हम लोग पलटी ले रहे हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं दमन गंगा रिवर, थोड़ा शांति चाहिए और सनसेट भी हो रहा है तो देखेंगे। सनसेट तो हो गया पहुँचते, मगर फिर भी अंधेरा होने तक थोड़ा चिल करेंगे। अभी डैम दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यही है दमन गंगा रिवर, यहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी हवा आ रही है। देखो सनसेट हो गया और हम लोग लेट पहुँच रहे हैं, तो थोड़ा हवा खाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हो। तो मैंने दमन और सिलवासा में जो भी जगह दिखाए वो सारे फैमिली के साथ भी आ सकते हो। वैसे तो दमन बीच में दारू लीगल है, वहाँ पे तो पीने वाले लोग आते हैं, लेकिन फैमिली के साथ भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है। वैसा सब कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा था। हम लोग तो सुबह के टाइम पे गए, रात के टाइम पे क्या माहौल रहता है क्या पता। तो गाइस हम लोग का ट्रिप भी ख़त्म हो गया और ये वाला व्लॉग भी यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको दमन और सिलवासा का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यही प्लेसेस है घूमने के लिए और कुछ प्लेसेस नहीं है, बाकी तो वापी में आना जाना, बहुत ट्रेन सबका फैसिलिटी है और ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इतना ही है। अभी हम लोग अपने रूम में आते हैं, आराम करते हैं और कल सीधा अपने घर के लिए निकल जाएंगे। इसलिए वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर और भूलना मत अपन लोकल है।